नमस्ते मित्रों, मैं श्रीमती शांताबेन हरिभाई गजेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल यूट्यूब वीडियो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी लेसन 5 स्वराज्य की नींव। यह एक एकांकी है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। इनका जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मिरनपुर गांव में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 में के दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे रहे। उन्होंने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखी है। उनकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमय व उपन्यास है, संघर्ष के बाद व कहानी संग्रह है, नव प्रभात, डॉक्टर यह नाटक है, प्रकाश और परछाइया, बाहर एकांकी है, अशोक एकांकी संग्रह है, जाने अनजाने संस्मरण और रेखाचित्र है, आवारा मसीहा, शरद चंद्र की जीवनी आदि। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्र संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी में पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। इस एकांकी में मुख्य 6 पात्र हैं: लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ राव और सेनानायक। तो आइए मित्रों, हम कहानी की ओर चलते हैं। घोड़े पर सवार दाहिने हाथ में नंगी तलवार लिए पीठ पर अपने बच्चे को बांधे हुए रण क्षेत्र में द्रुत गति से भागते घोड़े की राह संभाले और शत्रु दल को चीरती आगे बढ़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई मानो नवरात्र के अवसर पर स्थापित हुई तेजस्विनी दुर्गा की सजीव प्रतिमा हो। झांसी के वीर सैनिकों अपनी रानी के नेतृत्व में दृढ़ता से शत्रु का सामना किया। युद्ध का भयंकर दृश्य उपस्थित हुआ था। रानी रणचंडी की मूर्ति बनी शत्रु सेना पर टूटी पड़ी और शत्रु पक्ष के सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटने लगी। जय भवानी और हर हर महादेव के नारों से आकाश गूंज उठा। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास में ही लगा हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में लक्ष्मीबाई देखते देखते क्या हो गया जूही, झांसी, कालपी, ग्वालियर का मंजिल है कि आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखते हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण पास मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। उन्हें झूलती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो कैसे लप लपाती हुई लपटे उठ रही है। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहेब है कि रक्त मंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है।
आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेले ही झांसी लेकर रहूँगी। जूही, कौन कहता है आप अकेली हैं? महारानी आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी? लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी। लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिलता है तो केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। जूही, लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना, लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, सफलता और असफलता देव के हाथ में है। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है, वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों जानती हो? क्यों? जूही, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। मुंदर, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विशालिता में साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्य। जूही, सहसा, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती है और समझती पक्ष ले लोगी ही। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्याराव साहेब को अपना तन मन का स्वामी मानते हैं। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी नहीं मानती? जूही, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उससे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ। मुंदर, सक सपाकर, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या उसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उसको बुरी तरह धुतकार दिया था। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। लक्ष्मीबाई, दीर्घ श्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। जूही, बाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ बाई साहब, चलो हम सब मिलकर उसके नींद हराम कर दें। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते,
अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। जूही, दुश्मन की ठोकर? यह आप क्या कह रही हो? लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा करती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की गटा और भी गहरी नहीं उठेगी? मुंदर, बाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। लक्ष्मीबाई, और जूही, तू अगर तात्या को खोजे सके तो उन्हें यहाँ आने के लिए कह। जूही, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ राव? रघुनाथ राव, महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही, कांप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ राव, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा, मैं अभी सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था, जाता है। लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ, सहसा बाहर देखकर। लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही, बाहर देखकर? जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है, सरदार तात्या का प्रवेश। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या, बाई साहेब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो केवल सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर, छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ। तात्या, बाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इस योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही हैं। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्म भोज के उपलक्ष्य में ये तोपे चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? जूही, सरकार इस बार इनको माफ कर दीजिए। तात्या, व्यग्र होकर, भाई साहब, आप यू कब तक फटफटाती रहेगी? लक्ष्मीबाई, तू कहती है अच्छा, लेकिन। मुंदर प्रवेश करती है। मुंदर, सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, मैं भी तो तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? जूही, सरकार ये स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्ति की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या, इसलिए तो आया हूँ बाई साहब, आप जो कहेगी वही करूँगा, जो योजना बनाएगी उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ, तलवार संभालो, नुपुरों की झनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो, भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति, इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकालकर ले जाना है। तात्या, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि
यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। तात्य, भाई साहेब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ। देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। जूही, और मैं तोपखाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव, तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है, जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कही जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है।